घाघरा थाना क्षेत्र के पुटो रोड स्थित मीठी लेडीज कॉर्नर को अज्ञात अपराधियों द्वारा दुकान के शटर में पेट्रोल छिड़कर दुकान पर जलाने का प्रयास बीती रविवार की रात किया गया। इस संबंध में मीठी लेडीज कॉर्नर दुकान के मालिक सुजीत कुमार ने बताया कि प्रतिदिन की भांति वह रविवार को शाम में दुकान बंद कर अपने घर गया था। सुबह आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारे दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा है, जिसके बाद आकर देखा तो पाया कि दुकान के आगे खाली एक छोटा बोतल एवं माचिस की तीली रखी हुई है। पीड़िता ने जाकर थाना में इसकी सूचना दी तो थाना के अधिकारियों ने किया दुर्व्यवहार। पीड़िता दुकान के मालिक सुजीत कुमार सिन्हा उक्त घटना की जानकारी सोमवार की सुबह घाघरा थाना पहुंच पुलिस को दी गई, जिस पर थाना में बैठे अधिकारियों के द्वारा पीड़िता दुकानदार सुजीत कुमार को दुकान का फोटो खींचकर रखने और कभी आकर देख लेने की बात कही गई। इस घटना से आसपास के दुकानदार में भय का माहौल देखा जा रहा है। दुकानदार ऐसी घटनाओं से अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। हर दिन की तरह जैसे हम दुकान बंद करके कल गए, उसके बाद हमको सुबह फोन में जानकारी आया, मेरा अगल बगल दुकानदार हमको फोन करके बोला कि तुम्हारे दुकान से धुआं निकल रहा है। हम जब आके देखे तो मेरा दुकान का बाहर पेट्रोल का डब्बा था, माचिस का तिल्ली था, और उसके बाद हमने थाना में इन्फॉर्म करने, मेरे दुकान में असामाजिक तत्व द्वारा आग लगाया गया है, इसकी शिकायत लेके हम रोड में हमेशा चोरी का घटना होते रहता है और कभी पुलिस गश्ती नहीं करती है। इस विषय में हम थाना गए तो वहाँ बड़ा बाबू बोले कि तुम अपना दुकान का फोटो खींच के रखो, हम कभी भी जाएंगे तो देख लेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।